अक्सर तबले वाले क्या होता है सिंगर्स पे धौंस जमाते हैं कि हाँ तुम तो ठीक है, अभी तुम्हें लय ताल का नॉलेज नहीं है, है कि नहीं। तबला बजाते बजाते वो आपको बोलने लग जाएंगे, नहीं तुम चूक गए थे लय में, क्योंकि वो तो यही मानेंगे ये तो सिंगर है, इसने तो सुर सीखे होंगे, राग सीखी होगी, लय तो सीखी नहीं होगी, ताल का इसको नॉलेज ही नहीं है, है ना। वो इस हिसाब से तुम्हें कंट्रोल करेंगे, जो भी अकंपनिस्ट, अब भले वो तबले वाला है, ढोलक वाला है, तुम्हारा ऑक्टोपैड बजा रहा है, ड्रम बजा रहा है, कोई सा भी पर्क्यूशनिस्ट है। खेल खेल में जाने कितनी धनुहियां तोड़ डाली मैंने, खेल खेल में। एक ताल बहुत मुश्किल ताल है, एक ताल की ठाह दोगुन और चौगुन कर पाना ये मुश्किल क्यों है? क्योंकि इसमें इसमें धागे दोगुन में है और तिरगिट चौगुन में है, ये अपने आप में ही दोगुन चौगुन और ठाह तीन लयकारियों की मिश्रित ताल है कि नहीं। इकलौती ऐसी ताल आपके अभी सिलेबस में है जिसमें दोगुन भी है और चारगुन भी है और ठाह भी है, है ना, और वो एक ही सिंगल ठेके में ही है, उसके ठेका यानी उसका जो ये बेस है ना, एक से बारह तक क्या बोलों के साथ उनको इंक्लूड किया गया वो हो जाता है उसका ठेका, ठीक है। तो इस वजह से अब क्या जाता है, धिन धिन धागे तिरकिट। तो ये क्या हो गया, आपका जो धागे था वो पहले दोगुन में था, तो दोगुन की चीज का जब डबल करते हैं तो वो आधे में आ गया, इधर ही आ गया, जबकि पहले क्या था, धिन धिन, तो एक का आधा होगा, जाहिर सी बात है, पहले धिन तो धिन धिन, तो एक धिन नीचे आ गया एक धिन ऊपर आ गया, तो ये आधे आधे में बढ़ गया। लेकिन जो दोगुन की चीज है धागे, उसको नीचे बांट देना एक ही में, एक ही बीट में दो बोल आएंगे नीचे और दो बोल ऊपर हो जाते हैं, और वो दो भी नहीं, फिर तिरकिट है, उसके तुरंत बाद चौगुन है। अगर वो धागे धागे होता तो धिन धिन धागे धागे, यानी धागे तागे या झागे नागे, जो भी उसके बोल बनते हैं। तो धागे धागे कैसे बनता, दो नीचे दो ऊपर बनता, है ना। लेकिन यहां क्या है, दो नीचे और चार ऊपर बन रहा है, है ना। तो ये जो लय है, ये लय का जो खेल है, ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है जैसे ही हम इसकी अन्य लयकारियों पे उतरते हैं। तो धागे तिरकिट, लोग अक्सर एक ताल की ठा दुगुन करने को बोलो किस तरह करते हैं, धिन धिन धागे तिरकिट तुन्ना कत्ता धागे तिरकिट धिन्ना, ऐसे करने लग जाते हैं। यानी जो धागे और तिरकिट की जो लय उन्होंने ठाह में बोली थी वही वो दोगुन में बोल रहे हैं, है कि नहीं। सिंगल जा रहा था तो धिन धिन धागे तिरकिट एक दो तीन चार, तो जैसे दोगुन करने की बारी आती है धिन धिन धागे तिरकिट, ये करने लग जाते हैं, है ना। उनको लगता है कि धिन धिन ये दोगुन हो रहा है तो धागे ये भी दोगुन हो रहा है, जबकि धागे तो अपने आप में दोगुन है, तो उसका जब दोगुन होगा तो धागे धागे डैश ये जाएगा, धागे एक ऊपर, है ना। तो आपने पहली बार में ही उसकी पढ़ंत ठीक करी तो वही शाबाशी के लायक काम है, कि अक्सर लोग कर भी नहीं पाते हैं ये, कि उसकी एक बार में भी पढ़ंत करेंगे तो ऐसे बोलने लग जाते हैं कि धागे तिरकिट तुन्ना कत्ता, आगे भली उसकी वो दोगुन कर रहे हैं लेकिन स्टार्टिंग में ही धागे तिरकिट में ही वो लोच खा जाते हैं, और एक तो इसमें धागे तिरकिट दो बार आता है ना, तो और याद रखना मुश्किल है कि धागे तिरकिट पहला वाला धागे तिरकिट है कि बाद वाला धागे तिरकिट है ना। पर ऐसी मुश्किल चीजों का रियाज करने से, अभ्यास करने से, इनमें जबान साफ करने से देखिएगा आपकी शब्दों की जो स्पष्टता है वो भी क्लियर होती है कि नहीं। मेरी भाषा का साफ होना या उसमें एक वजन दे पाना, ये उसका एक कारण ये भी है क्योंकि मैंने तालों का बहुत रियाज किया है, मैं तबला भी खुद बजाता हूँ, है ना, और तबले का भी मैंने बाकायदा विधिवत ढंग से सीखा है कि तबला कैसे बजाया जाता है, ठीक है। तो चीज़ें तबले की सीखी हैं मैंने, इसी वजह से कहा जाता है एक गायक को तबला आना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ आपने शायद नहीं सुनी हो पर ऐसा बोला जाता है कि एक सिंगर को तबले की नॉलेज होना ज़रूरी है, तबले का वादन आना ज़रूरी नहीं है पर तबले का सिलेबस, उसका पाठ्यक्रम सीखना ज़रूरी होता है। हर बड़े कलाकार ने तबला सीखा है, इसका कारण क्या है, पहली चीज़ तबला क्योंकि आपके साथ बजता है, अकंपनिस्ट होता ही है, तबले वाला आपके साथ बैठेगा ही, तो वो क्या बजा रहा है उसकी नॉलेज आपको होना ज़रूरी है, तभी आप इंजॉय कर पाओगे, समझ पाओगे और उसे कंट्रोल कर पाओगे, वरना तबले वाला आप पे धौंस जमाएगा कि नहीं नहीं यहाँ ऐसे नहीं होता ऐसे होता है। ये जो लय है ताल है, ये अक्सर लोग समझते हैं ये तो तबले का पार्ट है, गाने में इसका कोई लेना देना नहीं, जबकि ये तो संगीत की रूट्स हैं, लय और ताल और सुर, ये तीनों चीज़ें तबले में भी हैं, गाने में भी, नाचने में भी, और कोई से भी वाद्य को बजाने में होंगी, है कि नहीं। तो अक्सर तबले वाले क्या होता है सिंगर्स पे धौंस जमाते हैं कि हाँ तुम तो ठीक है, अभी तुम्हें लय ताल का नॉलेज नहीं है, है कि नहीं। तबला बजाते बजाते वो आपको बोलने लग जाएंगे, नहीं नहीं तुम चूक गए थे लय में, क्योंकि वो तो यही मानेंगे ये तो सिंगर है, इसने तो सुर सीखे होंगे, राग सीखी होगी, लय तो सीखी नहीं होगी, ताल का इसको नॉलेज ही नहीं है,
है ना, वो इस हिसाब से तुम्हें कंट्रोल करेंगे जो भी अकंपनिस्ट, अब भले वो तबले वाला है, ढोलक वाला है, तुम्हारा ऑक्टापेड बजा रहा है, ड्रम बजा रहा है, कोई सा भी परक्यूशनिस्ट है, वो तुम पर हावी होने की कोशिश करेगा ये सोचकर कि इसे तो नॉलेज होगा ही नहीं, इसे न तो ताल पता होगी न लय मालूम होगी, मैं कुछ भी बजाऊं इसको क्या पता पड़ रहा है, और अगर मैंने मिस्टेक भी कर दी जो कि मेरी कमी की वजह से है कि मेरा हाथ नहीं चल रहा या मेरे में नॉलेज कम है, तो मैं इस पर हावी होके कह सकता हूं, है ना, वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे मैं कर सकता हूं यहां पे कि अरे नहीं मैंने मैंने तो ठीक बजाया, तुम्हारी गलती हो गई थी, तुम्हारा सुर बिखर गया होगा, है ना। तो ऐसा न हो, इसीलिए हमें अपना नॉलेज बराबर रखनी कि आपने यहां ठेका बदल दिया है, वरना वो कह देगा तुम्हारी कोई चीज़ सम पे नहीं आई, यानी तुमने पहली मात्रा से शुरू करी, है ना, कि तुम्हारा तो गाना तुम्हें मालूम था कि आठ मात्रा में है, तो यहाँ से शुरू होता है आठ में जाता है वापस एक पे आता है, ये तुम्हें साइकिल पता है अपनी, लेकिन वो बीच में चार मात्रा खा गया, उसने बजाई नहीं वो चार मात्रा, वो भूल गया, जैसे ये धागे तिरकिट मान लो, जस्ट सपोज तुम एक ताल में कुछ गा रहे हो, अब वो पहला वाला धागे तिरकिट तो याद रहा, दूसरा वाला भूल गया, है ना, अब याद ही नहीं आया उसे, तो वो तो गड़बड़ कर गया, फिर आप बोलो अरे यार मेरा तो आया ही नहीं बीट में, आया ही नहीं, जो रिदम मेजरमेंट चल रहा था उससे बाहर हो गया, तो वो कह देगा हाँ तुम्हें कुछ गड़बड़ करी होगी, भूल गए होगे, पर नहीं आपको मालूम है, तो आप कह सकते हो सर आपने दूसरा धागे तिरकिट बजाया ही नहीं, आप भूल गए थे, ये आपकी लय बदल गई थी, है ना, कि मैंने जैसे ही बोला, और ये बहुत लय का नॉलेज आपको होना इसीलिए भी जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है तबले वालों की लय बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, जबकि उनका तो वाद्य ही ताल का है, तो उसमें लय मजबूत होना तो बहुत ज़्यादा लाजमी है, गाने में भी है पर उधर भी है ना, कि उनका तो काम बिना लय के वैसे भी नहीं होता है, अपना तो लय के बगैर भी हो जाता है, आलाप ले लेंगे तो उसमें कोई लय नहीं है, है ना, अगर कोई आकार ले रहे हैं आलाप ले रहे हैं तो उसमें कोई लय नहीं है, है ना, लेकिन तबले का तो ऐसा कोई काम नहीं जो बिना लय के हो सके, उसमें हर चीज़ लय में बजती है, तब भी उनकी लय जो है बड़ी नाजुक होती है कि वो निकल जाती है उसमें, तो वो आप पे इल्ज़ाम डाल देते हैं अरे तुम्हारी लय ठीक नहीं रह रही है, तुम्हें बार बार ऐसे बोलेंगे अरे लय में रहो ना लय में, जबकि उनका हाथ नहीं चल रहा बेसिकली, है ना, तबले वालों की ये बहुत बड़ी खासियत बता रहा हूँ मैं आपको परक्यूशनिस्ट की, कि अगर उनका खुद का हाथ नहीं चलेगा तो वो इल्ज़ाम आप पे डालते हैं कि अरे तुम ठीक नहीं गा रहे हो, अरे थोड़ा लय में रहो ना, अरे भाई हम तो लय में है, तुम्हारी लय या तो बढ़ रही है या कम हो रही है, लय बढ़ने के क्या चांसेस होते हैं, कैसे क्यों बढ़ती है लय, है ना, या तो यह है कि आपका बहुत ज्यादा हाथ चलता है तैयारी में है, तो आप में स्टेबिलिटी नहीं है, सब्र नहीं है, धैर्य नहीं है, तो आप कुछ भी बजाने लग जाते हो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, है ना, जो कुछ आपको आता है सारा उसी में बजाने की कोशिश कर देते हो, है ना, सारा बजा दूं मैं तो एक ही बार में जितना आता सब बजा दूं, तो क्या होता है लय बढ़ जाती है आपकी, क्योंकि हाथ बहुत ज्यादा तेजी चल रहा है, और लय कम होने की भी यही चांसेस है कि हाथ बराबर चल ही नहीं रहा है, तो चीज तो चाहिए थी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ये चाहिए थी लय मुझे गाने में, कि अगर मैं जो गा रहा हूँ वो इस लय का है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, लेकिन आपका हाथ नहीं चल रहा है तो आप 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 कम हो गई आपकी लय, है ना, तो आप हम पे इल्ज़ाम डाल देते हैं सिंगर्स पे कि यार तुम ठीक नहीं गा रहे हो, तो ऐसा ना हो, इस वजह से हमें लय का कंप्लीट कमांड अपने ऊपर चाहिए, ठीक है, तो इस वजह से हमें तबला सीखना होता है। दूसरी चीज़ वो क्या बजा रहा है उसकी समझ, तभी तो वो संगत हो पाएगी ना, वो अकंपनी, वो केमिस्ट्री जिसे कहते हैं ना, केमिस्ट्री होनी चाहिए सिंगर और इंस्ट्रूमेंट वाले के बीच में, कि आपने कुछ गाया उससे ही रिलेटेड वो बजाएगा, तबला ऐसा नहीं होता कि कुछ और बज रहा होता, नहीं, जो आपने गाया उसी से रिलेटेड कुछ बजेगा, अगर आपने ऐसा बजाया तो वो भी ऐसी ही कुछ चीज़ बजाएगा जो इससे मैचिंग होगी उसकी भाषा में, उसके बोलों में, ठीक है, तो ये चीज़ मालूम होना, वरना आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि मैंने यहाँ धिन धिन धागे तिरकिट, उसने वहाँ पे धिन धिन धागे तिरकिट बजाया, लेकिन हमारे यहाँ से सरगम कोई दूसरी पैटर्न की निकली, तो वो पैटर्न का फिर विरोधाभास होता तो मज़ा नहीं आता, ठीक है, तो उस वजह से, ठीक है, और लय ताल की वजह से इन सारी चीज़, और ऊपर से जब ऐसी जटिल चीज़ें आप सीखते हो तो लय की बांट समझ आती है, इसीलिए मैं आपको ये जो सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ ना, ये मैंने ये समझ लीजिए जो मैंने तबला सीखा उसका निचोड़ है ये, है ना, कि गायकी में कितना इस्तेमाल होना चाहिए, मैंने तबला सीखा ही इस वजह से था, मुझे प्रोफेशनल तबला वादक थोड़ी बनना था, मुझे था कि मेरी गायकी में कैसे इंप्रूवमेंट हो सकता है, तो मैंने तबला सीखा, और प्रोफेशनल तबला जैसे सीखते हैं वैसे ही सीखा, जैसे हाथ रखा जाता है, जो जो चीज़ें बजाई जाती सारी की सारी सीखी, मैं बजाता नहीं हूँ, डायरियाँ भरी पड़ी है, चीज़ें मेरे सारे यहाँ जहन में है, बजाता नहीं हूँ, हाथ मेरा नहीं चलेगा, लेकिन सारी चीज़ें मुझे समझ आती हैं, और जो तबले वाला जितना बजा रहा है वो सब मुझे समझ आ रहा है ना, तो मैंने तो समझ के लिए सीखा था ना, हाथ चलाने के लिए सीखा भी नहीं था, ठीक है, तो इसी वजह से तबले का पूरा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि उसमें से जो जो मुझे निकालना था वो सारी चीज़ें निकाल के मैं आपको सिखा रहा हूँ, लय, बांट, ताल, छंद, लयकारी, वजन, है ना, या जो उतार चढ़ाव, ये सारी चीज़ें कोई सिंगर आपको नहीं सिखा सकता अनलेस उसने तबला सीखा हो, कोई सिंगर आपको ये सारी चीज़ें सिखा ही नहीं पाएगा कि लय क्या होती है, लयकारी क्या होती है, कहाँ वजन देना होता है, कहाँ नहीं देना होता है, कहाँ छंद है, कैसी चाल है, कहाँ उतार है, कहाँ चढ़ाव है, ये आपको वही व्यक्ति सिखा सकता है जिसने तबला सीखा है, है ना, इनफैक्ट मेरे दादा गुरु जी, वो उन्होंने सालों तबला बजाया है और सालों तबला सीखा है, इनफैक्ट उनके पिताजी जिनसे उन्होंने संगीत सिखा है, पंडित जगन्नाथ प्रसाद जी, संगीत मूर्ति की उपाधि है उनको,
प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा संगीत मूर्ति की। संगीत मूर्ति मतलब सारी विधाओं में निपुण थे वो। वो गा भी लेते थे, हारमोनियम बजा लेते थे, वायलिन बजा लेते थे, सितार बजा लेते, तबला, कथक नृत्य कर लेते थे। ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता था जो वो बजा नहीं सकते, है ना। और ये सिद्धि होती है जब आप इस विषय की साधना करते हो, इसमें अध्यात्म से जुड़ जाते हो, ईश्वर की पूजा जिस तरह से करते हैं वैसे अगर आप संगीत सीखते हो ना, तो आपके लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट नया नहीं होता, है ना। क्योंकि है वही स्वर, वही लय, वही ताल ना, बजाने का तरीका अलग हो सकता है। आपके गिटार में भी वही बजेगा, ड्रम पे भी वही बजेगा, ऑक्टोपैड में भी वही बजेगा, कीबोर्ड दे दो उसमें भी यही चीज़ें बजेंगी जो अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो बस पैटर्न बजाने का अलग हो जाएगा, है ना। तो ये इस तरह से हमको सीखना है कि हर चीज़ पर हमारा कंट्रोल हो, हम किंग हों वहाँ पर। एज अ सिंगर आपको किंग होना है वहाँ, किसी के आप अधीन न हो, सब आपके अधीन हो, आपको, आप लीड हैं, आपको वो अकंपनी करें। कोई भी कीबोर्ड वाला या कोई गिटार वाला वो आप पर ऐसे नहीं कि हाँ हाँ बेटा तुम तो अभी नए हो अभी यूं करके, वो नहीं होना चाहिए, कभी ऐसा ना हो। तो इस वजह से क्या होगा, हमें सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, है कि नहीं। तो इसीलिए लय ताल का बराबर ज्ञान लो, बराबर रियाज करो, ताकि कभी कोई तबले वाला ना टोक दे आपको कि तुम्हारी लय गलत है। उल्टा चोर कोतवाल को न डांटे, उसके लिए अपनी कोतवाली थोड़ी सी आपको सीखनी तो पड़ेगी, तभी तो कह पाओगे कि मेरे ये नियम है, वरना अक्सर नहीं होता। मेरे पिताजी हमें अक्सर कहते थे कि हम क्या बैंक में जाने से थोड़ा डरते हैं कि यार बैंक में जाएंगे वहाँ पे कोई चीज़ बोलना कि सर हमें ये चीज़ चाहिए या ये हमारा पैसा ऐसे, तो हम डरते हैं क्योंकि बैंक वाले थोड़ा रौब झाड़ते हैं, है ना, कि नहीं नहीं ठीक है अभी हो गया ये करके, ये करना या वो करना या कल आना या ये करना। तो पिताजी बोलते हैं भैया तुम्हारा पैसा है, तुमने जमा किया उस बैंक में, तो हक किसका है, तुम्हारा है ना, वो तुम्हारे वहाँ तुम्हारे लिए बैठे हैं, तुम्हारा काम करने बैठे हैं, तो वहाँ जाओगे तुम्हें अपने राइट्स तो पता होने चाहिए कि मेरे क्या राइट्स हैं। अगर आपको अपने राइट्स नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि भैया हमारे ये राइट्स हैं, हम बोल सकते हैं यहाँ पे, तो आप पे कोई भी तानाशाही नहीं कर सकता ना, जबान तभी तो चलेगी, वरना तो आप साक्षर होकर भी अनपढ़ कहलाओगे कि आपको पता है वो सारी चीज़ें पर आप अमल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो यही चीज़ एज अ म्यूजिशियन भी होता है कि भैया वो जो लीड पावर है वो आपके हाथ में रखो हमेशा, कभी भी कोई अकंपनिस्ट आपको ना टोक दे, ठीक है। चलिए अब एक बार 10 मात्रा आपने सुना दी, 12 मात्रा को एक बार कंप्लीट कीजिए।